ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक और पाकिस्तान की अंदरूनी हालत किसी से नहीं छिपी। आए दिन देश के अंदर आतंकी हमले, बम धमाके, लेकिन बावजूद इसके इन मुद्दों पर जोर देने की जगह पाकिस्तान की कोशिश ये होती है कि किसी भी तरह वो भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दे सके। ताजा मामला सामने आया है यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन ने दिस हाउस बिलीव्स इन द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कश्मीर, यानी कि ये सदन कश्मीर के स्वतंत्र राज्य में विश्वास करता है, शीर्षक वाले कार्यक्रम की मेजबानी की। हालांकि इस दौरान एक भारतीय छात्र ने ऑक्सफोर्ड यूनियन को जमकर फटकार लगाई। भारतीय छात्र ने कश्मीर में हुए पंडितों के नरसंहार का मुद्दा भी उठाया और तो और ऑक्सफोर्ड यूनियन के अध्यक्ष को ISI की कठपुतली तक कह दिया। इस भारतीय छात्र का नाम आदर्श मिश्रा है। इसका बकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां आदर्श मिश्रा को ये कहते देखा जा सकता है कि JKLF एक आतंकी संगठन है जिसने बहुत सारे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। JKLF ने हिंदू सरकारी अधिकारी की बर्मिंघम में हत्या की। यहाँ मैं इस सदन में विश्वास नहीं रखता। मैं अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखता हूँ, क्योंकि इस सदन के ज्यादातर सदस्यों को अध्यक्ष में विश्वास नहीं है। अध्यक्ष कुछ और नहीं बल्कि ISI की कठपुतली है। ये पाकिस्तान की कठपुतली है। इस सदन को अध्यक्ष में कोई विश्वास नहीं है। इस भारत विरोधी कार्यक्रम की पैनल में जस्टिस फाउंडेशन और कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का नेतृत्व करने वाला डॉक्टर मुजम्मिल अयूब ठाकुर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF के जफर खान को शामिल किया गया। ये वही शख्स हैं जो हमेशा आतंकवाद जैसे मुद्दों और हिंसा का समर्थन करते आए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोगों की मानसिकता और उनका इरादा क्या ही रहा होगा। हालांकि ब्रिटिश हिंदुओं और सामाजिक आंदोलन इनसाइट UK ने इस बहस पर चिंता जताई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक समूह ने आतंकवाद से संबंधों और बहस की अखंडता को संभावित नुकसान का हवाला देते हुए दो वक्ताओं मुजम्मिल अयूब ठाकुर और जफर खान को शामिल करने पर सवाल भी उठाया। वहीं भारतीय छात्रों ने यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड यूनियन के बाहर इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन द्वारा आयोजित बहस में कश्मीर की राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाया गया, जो भारत का हिस्सा है और जिससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारतीय छात्र ने जिस बेबाकी और बहादुरी से इस बहस में पाकिस्तान के इरादों पर पानी फेरा, वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।